नमस्कार दोस्तों, अगर आपका आज मुश्किलों से भरा हुआ है तो समझ लो भगवान तुम्हारे आने वाले कल को मजबूत बनाना चाहते हैं। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आधुनिक मनी मंत्र में। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं मिथुन राशि वालों की। मिथुन राशि वालों का 2 जून दिन शुक्रवार कैसा रहने वाला है, उन्हें आने वाले समय में किन किन चीजों से सावधान रहना होगा और मिथुन राशि वालों को आने वाले समय में वह कौन कौन सी खुशखबरी मिलने वाली है, तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मिथुन राशि वालों का पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा, उनका बिजनेस व्यापार कैसा चलेगा, प्रेम संबंध कैसे रहेंगे और साथ ही साथ उनका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। दोस्तों अगर आपकी भी मिथुन राशि और आप जानना चाहते हैं आज का संपूर्ण राशिफल तो इस वीडियो को पूरा अवश्य देखें। दोस्तों आज शुक्रवार है, आज माँ लक्ष्मी और माँ संतोषी का वार है, इसलिए कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी जय माँ संतोषी अवश्य लिखें, वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल को ऑन जरूर करें। चलिए दोस्तों आज के पंचांग को जान लेते हैं। आज का पंचांग है 2 जून 2023 दिन शुक्रवार, आज की तिथि है त्रयोदशी, आज का नक्षत्र है स्वाति नक्षत्र, सूर्योदय सुबह 5:23 AM, सूर्यास्त शाम 7:14 PM, सूर्य राशि सूर्य वृषभ राशि पर है, अभिजीत मुहूर्त 11:51 AM से 12:46 PM। आज का चाणक्य विचार। जीवन की सच्चाई है कि बुरे वक्त में इंसान अपने सोचने समझने की शक्ति खो देता है और मान लेता है कि उसके जीवन में अब कुछ अच्छा नहीं होगा, मगर क्या ये सोचना ठीक है? आचार्य चाणक्य के अनुसार 5 चीजों का ध्यान रखें तो जिंदगी की हर परेशानी आसानी से दूर कर पाएंगे। कभी भी डरे नहीं, बुरा वक्त आने पर आप डर जाते हैं, घबराने लगते हैं, जबकि आपको शांत और स्थिर मन से समस्या का हल ढूंढना चाहिए, क्योंकि समस्या का कारण जाने बिना आप समाधान नहीं ढूंढ सकते। बुरे ख्यालों को मन से निकाल दें, जिंदगी बहुत कुछ सिखाती है, दरअसल ये दुखी है जो जीवन का सच है। ये संघर्ष करना सिखाता है, आगे बढ़ना सिखाता है, तो संयम और आत्मविश्वास से काम ले, सफलता बस कुछ ही कदमों की दूरी पर है। प्रतिक्रिया पर ध्यान दें, आचार्य चाणक्य बताते हैं कि हालात और रिजल्ट पर किसी इंसान का बस नहीं होता, लेकिन किस हालात में आप क्या प्रतिक्रिया देते हैं यह आपके व्यक्तित्व को दर्शाता है। बुरे से बुरे हालात में अगर आप खुद पर काबू रखकर प्रतिक्रिया देंगे तो आपसे सफल इंसान कोई नहीं हो सकता। बुरे समय में भी अवसर तलाशें, आचार्य चाणक्य कहते हैं कि अच्छा और बुरा समय एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, इसलिए बुरे समय में भी जीवन को बेहतर बनाने की वजहों को तलाशें, बुरा समय देखकर हिम्मत न हारें और उन हालातों में बाहर निकलने की लगातार कोशिश करें। सही जानकारी लें, लाइफ में कई बार हम बिना सही जानकारी और अनुभव के जीवन के युद्ध के मैदान में उतर जाते हैं। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि किसी भी रणभूमि में कदम रखने से पहले सभी युद्ध नीति की पूरी जानकारी हासिल कर लें, वरना दुश्मन का एक वार ही काफी होगा। दोस्तों यदि चाणक्य नीति अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए मित्रों आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं आज का मिथुन राशि फल। आज अच्छे करियर का प्रभाव आपके करियर पर स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। आप अपने सीनियर्स के प्रति अच्छा व्यवहार बनाए रखेंगे। बायोलॉजी स्टूडेंट्स के लिए दिन बेहतरीन रहने वाला है। टीचर्स का आपको पूरा पूरा सपोर्ट मिलेगा। माता पिता के साथ संबंध मजबूत होंगे। कोई बड़ा ऑफर मिलने से धन लाभ होने की उम्मीद है। आपका दाम्पत्य जीवन खुशियों से भरा रहेगा। आप अपनी बात को साफ ढंग से रखने में सफल होंगे। काम में स्थिरता बनी रहेगी। प्रेमी को कार्य में सफलता मिलेगी। जिसका जश्न मनाएंगे मुलाकातें रोमांटिक होंगी। पार्टी संगीत का मूड भी बन सकता है। आज आप अपने पार्टनर के साथ फ्लर्ट करने के मूड में रहेंगे। वैवाहिक दंपत्ति बच्चों के साथ दिन गुजारेंगे। संतान से खुशी मिलेगी। आप व्यवसाय की यात्रा कर सकते हैं। भाग्य आज आपका साथ दे रहा है और इसलिए आप व्यवसायिक जीवन के संबंध में नई योजनाएं भी बना सकते हैं, किंतु किसी भी महत्वपूर्ण दस्तावेज पर हस्ताक्षर करते समय सावधान रहें। आर्थिक लेन देन को आज सोच समझ कर करें, कुछ कठिनाइयां बीच में आ सकती हैं। ना चाहते हो कि आपको सामाजिक समारोह का हिस्सा आज बनना पड़ सकता है, इससे आपको स्वास्थ्य संबंधित परेशानियां हो सकती हैं। जीवन साथी की सेहत का आपको ख्याल रखना होगा, अन्यथा परेशानी हो सकती है। आज आपकी सेहत पहले की अपेक्षा कुछ अच्छी रहेगी। करियर में आपकी सफलता सुनिश्चित होगी। आज आपको घर के वरिष्ठ लोगों का सहयोग प्राप्त होगा। व्यवसाय के सिलसिले में विदेश यात्रा करनी पड़ सकती है। परिवार में आपके गुणों की प्रशंसा होगी, जिससे आपका मन खुश होगा। आज आप अपनी कोई बात दोस्तों से शेयर कर सकते हैं। आज का दिन खुद में बदलाव लाने के लिए अच्छा है। आपको आगे बढ़ने के लिए नई योजनाएं बनानी पड़ सकती हैं। आपको अपने व्यवसाय और अन्य उपक्रमों से लगातार लाभ और मुनाफा प्राप्त होता रहेगा। आप अपने अधीनस्थों के समर्थन का आनंद लेंगे। साझेदारी भी स्थिर रहेगी। किसी भी नए प्रोजेक्ट को शुरू करने के बाद ही आप मौजूदा विरोधियों पर काबू पाएं। किसी पारिवारिक सदस्य का गिरता स्वास्थ्य आपकी चिंता का मुख्य कारण हो सकता है। आपके परिवार में तनाव उत्पन्न हो सकता है। आपको दिल के बजाय अपने दिमाग से निर्णय लेने की आवश्यकता पड़ सकती है। भाग्यशाली दिन है जब विवाह या सगाई तय करने के लिए आप इसे उपयुक्त मान सकते हैं। लव पार्टनर अगर ऑफिस कुलीग है तो साथ यात्रा पर आप जा सकते हैं। मैरिज कपल के बीच तनाव बढ़ सकता है। बिना आंकलन किए धन का निवेश आज ना करें। आज करियर के मामले में चीजें बेहतर होने के आसार हैं। आप अपना काम अच्छे से पूरा करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आज आपको अपने जीवन साथी की सेहत के प्रति चिंता हो सकती है। उनको अचानक से कोई स्वास्थ्य संबंधी परेशानी हो सकती है। आपको उनका पूरा ध्यान रखना चाहिए। आज आप कोई काम बहुत जल्दबाजी में कर सकते हैं। किसी दोस्त से मदद की उम्मीद रख सकते हैं। परिवार में आपका सबका सहयोग आपको मिलता रहेगा। आज लव पार्टनर से
कुछ धीरज की आवश्यकता आपकी मांग करेगी। किन्हीं कारणों से लव पार्टनर आज आपसे रूठ सकता है, गुरु की कृपा से रिश्ता टूटते टूटते बच सकता है। नए मित्र बनेंगे जिनके साथ प्रेम संबंध भी कायम हो सकते हैं। आज आपको अपने रिश्तों और संबंधों पर अत्यधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। सरकारी नौकरी की चाह रखने वाले आज अच्छा करेंगे। व्यापारियों के लिए समय अनुकूल है। कार्यक्षेत्र पर नए विचार आकार लेंगे। घर या काम के मोर्चे पर आपको अपनी जिम्मेदारियां साझा करने की आवश्यकता पड़ सकती है। अपनी कराधान योजनाओं और निवेशों की पहले ही जांच कर लें, क्योंकि इस सप्ताह के अंत में भारी खर्च होने की संभावना है। माता का स्वास्थ्य आपकी ऊर्जा और धन का उपभोग कर सकता है। पैसों की आकस्मिक कमी आपको मुश्किल में डाल सकती है। आज आपको अपनी प्रतिष्ठा में वृद्धि लाने के लिए कई अवसर प्राप्त होंगे। आप अपने जीवन को और बेहतर बनाने के लिए अग्रसर रहेंगे। आज आप किसी तरह की राजनीति में उलझ सकते हैं। फिर वह राजनीति घर में भी हो सकती है और कार्यस्थल पर भी। इससे आज आपका काफी समय खराब हो सकता है। घर में नए मेहमान के आने की संभावना है। एक साथ बैठकर किसी खास मामले पर बातचीत हो सकती है। ऑफिस के काम की अधिकता थोड़ी ज्यादा होगी। मंदिर जाकर भगवान के दर्शन करेंगे। आज का दिन मनोरंजन और सैर सपाटे से जुड़े कामों के लिए शुभ है। आप कोई नया काम शुरू कर सकते हैं। नए मौकों और नई योजनाओं के लिहाज से दिन शुभ है। आप नई नौकरी या व्यवसाय में स्थिरता तो चाहेंगे, लेकिन इसके लिए आपको अधिक परिश्रम करने की आवश्यकता है। आर्थिक दृष्टि से कोई भी निर्णय बड़ी सतर्कता से लें। इस वर्ष आध्यात्मिकता की ओर आपके रुझान में इजाफा होगा। खुद पर भरोसा रखें। पारिवारिक जीवन यथावत रहेगा। आप में से कुछ के जीवन में प्रेम संबंध का आगमन हो सकता है। आज का दिन कुछ खास लेकर आने वाला है। घर का वातावरण खुशनुमा बना रहेगा। किसी जरूरी काम में थोड़ी सी मेहनत करने से ही सफलता मिल जाएगी। लवमेट्स के लिए दिन फेवरेबल रहने वाला है। आज रिश्तों में नयापन आएगा। वेब डिजाइनर्स के लिए दिन उत्तम रहेगा। आपको कोई बड़ी खुशखबरी मिलेगी। बच्चे पढ़ाई के मामले में अपने दोस्तों से कोई अच्छी प्रेरणा लेंगे। इससे फायदा आपको ही होगा। वैवाहिक जीवन में खुशियां बढ़ेंगी। आपके सुख साधनों में बढ़ोतरी होगी। जीवन साथी के भाग्य से बैंक बैलेंस में वृद्धि होगी। रुके हुए काम बनेंगे। आर्थिक लाभ होगा। लव पार्टनर की तरक्की हो सकती है। अपनी खुशी को आप सोशल मीडिया पर शेयर करेंगे। आपके पास धन की वृद्धि होगी और स्थिति में सुधार होगा। आप सभी प्रकार के भौतिक सुखों का आनंद लेंगे और नए अधिग्रहण हो सकते हैं। सामाजिक रूप से आपकी लोकप्रियता बढ़ेगी और बच्चों की प्रगति से आप खुश रहेंगे। अपने विरोधियों पर विजय से आपकी संतुष्टि बढ़ेगी। धन का अनियमित तो प्रभाव आपको तनावपूर्ण बना सकता है, किंतु इस पर पार पाने के लिए उधार लेना कम करें। दोस्तों के साथ समय बीतेगा। प्रेमी के साथ विवाह के लिए आपको कोई प्रपोज कर सकता है। अपने प्रिय के साथ आज आप एक खूबसूरत दिन बिताएंगे। युवक युवतियों के जीवन में महत्वपूर्ण रिश्ते की एंट्री हो रही है, जो आगे चलकर रिश्तेदारी में बदल सकती है। दिन का फायदा उठाएं। बहन की सेहत खराब हो सकती है, उसका ध्यान रखें। आज करियर के मामले में आपको कोई बड़ी सफलता मिलेगी। कार्यक्षेत्र में धन लाभ के अवसर मिलेंगे। आज आप कुछ ऐसे लोगों के साथ जुड़ेंगे जो आपकी हर तरह से मदद के लिए तैयार रहेंगे। आपको अपने सगे संबंधियों से भी पूरा लाभ मिलेगा। बिजनेसमैन को काम में बेहतर अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। परिवार में खुशी का माहौल रहेगा। साथ ही ऑफिस में भी स्थिति आपके फेवर में रहेगी। दोस्तों के साथ कुछ हंसी खुशी के पल बिताएंगे। आपको थोड़ा मौज मस्ती के मूड में रहने का मौका मिलेगा। बेहतरीन समय आज आप अपने पार्टनर के साथ गुजारेंगे। बीवी बच्चों की आपसे कुछ बातों को लेकर शिकायत हो सकती है। उनको जरूरतों को पूरा करने की कोशिश करें और उनकी शिकायतों को दूर करें। आज सहकर्मियों के साथ कार्यालय में तनातनी हो सकती है। इस मौके पर आपको धैर्य रखना होगा। किसी पुराने मित्र से मुलाकात संभव है। दिन अच्छा बीतेगा। जीवन साथी के साथ एक अच्छा समय व्यतीत करेंगे। दोस्तों आज आपका शुभ अंक है 5। शुभ रंग है हरा और फिरोजी। उपाय: पीपल के वृक्ष को केसर से तिलक करके पीले कच्चे धागे से बांधने से पारिवारिक जीवन में खुशहाली आएगी। मित्रों, इस वीडियो में दी गई जानकारी यदि आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और कॉमेंट्स में हमें अपने सुझाव अवश्य दीजिए। हम मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। दोस्तों राधे राधे।